हेलो एवरीवन गाइस, सो आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप KVPY का एग्जाम का जो फॉर्म होता है भर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि हमें KVPY एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना सिखाओ और कैसे भरना है, कितने फीस है, तो सब आपको एकदम एक्यूरेट नॉलेज देता हूँ और किस तरीके से गाइस आप फॉर्म भर सकते हो सब कुछ अच्छे से आपको आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सब कुछ आपको अच्छे से पता चलेगा, बस इस पूरी वीडियो को आप वॉच कर लो एक बार और सब कुछ, मतलब कितना पैसे, कैसे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से लगते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो KVPY जो मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो इनकरेजमेंट वाला एग्जाम है साइंटिस्ट बनने का, तो वो सारा मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना और आपको सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर गाइज ओपन कर लेना है, कोई भी, मतलब आप सीधा पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लो, इस तरीके से गूगल खुल जाएगा। फिर आपको सर्च करना है KVPY, पहले सिर्फ इतना ही सर्च करना है और आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। इतना सर्च करने के बाद ना देख सकते हो आप लोग, जो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली लिंक आएगी, ठीक है, www.kvpy.iisc.ernet.in, ये जो आपको खुलेगा ना इसी को ओपन करना है, बाकी कुछ ओपन मत कर लेना, और बिना तो कुछ भी खुल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ओपन कर लेना इस तरीके से और ये आपको पहला आपका वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, देख लो यहाँ पे अच्छे से, कि अगर आप गाइस फर्स्ट या फिर थर्ड ईयर में हो, मतलब अगर आप कोई बैचलर की डिग्री में, तो आपको मंथली स्टिपेंड 5,000 से लेकर के और 20,000 तक आपको मिलेगा। और अगर गाइज आप फर्स्ट से सेकंड ईयर हो मास्टर्स में, तो आपको 7,000 से 28,000 रुपए तक मिलेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। और अगर आप 11th और 12th में हो तो आपको बताया जाएगा कैसे मिलेगा, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। गाइज इसकी बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओपनिंग है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की, वो 6 सितंबर को हो गई थी और 5 अक्टूबर ये इसका लास्ट डेट है, ओके। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 31 जनवरी है, मतलब कि 31 जनवरी को आपको पहला पेपर होगा, ओके। ये बात आपको गाइज अच्छे से समझ के रखनी है, मतलब कि पहले क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप बाद में समझेगा, मैं आपको सिर्फ फॉर्म भरना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ लेना गाइज अच्छे से, जो भी आपको लगेगा। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी ले सकते हो आसानी से, मतलब KVPY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप गाइज डाउनलोड कर सकते हो, जब भी आपको चाहिए रहेगा, आंसर कीज के साथ आपको सब मिलेगा, ठीक है, आप सब यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ओके माय डियर। यहाँ पे एसए और एसबी जो लिखा हुआ है, इसमें से जो एसए होता है वो 11वीं के लिए होता है और जो एसबी होता है ये मतलब 12वीं के लिए होता है और फर्स्ट ईयर डिग्री वगैरह के लिए रहता है, ठीक है। चलो तो अभी मैं गाइस आपको आगे लेकर के चलता हूँ। आपको यहाँ एप्लीकेशन दिख रहा होगा ऊपर कॉर्नर में, यहाँ एप्लीकेशन में आपको क्लिक कर देना है तो ऐसे आपको कुछ खुल जाएगा। जब गाइज ये ओपन होगा ना तो आप यहाँ पे सब पढ़ लेना, आप लोग के लिए ही लिखा हुआ है, जो जो भी दुनियादारी लिखी हुई है, आप यहाँ पे फीस पढ़ लो पहले कितनी है, मतलब कितना आपको फॉर्म भरने का पैसा भरना पड़ेगा। तो आपको गाइज 1,250 रुपए ओपन कैटेगरी वालों को और ओबीसी वालों को भरना पड़ेगा, जिनको कोई आरक्षण नहीं होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, उसको जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। तो वो 1,250 रुपए आपको भरने पड़ेंगे भाई, और बाकी के जिनको आरक्षण है, जिनको रिजर्वेशन है, एससी एसटी और जो विकलांग है यानी PWD जो कि मतलब फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनको 625 रुपए सिर्फ भरना है, 625 रुपीज ओनली, इतना ही भरना है। और उसके बाद गाइज आपको सबसे पहले मैं एग्जाम सेंटर की बात बता दूं, तो अगर आप ईस्ट नॉर्थ में हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लो, ये आपके मतलब स्टेट जैसे बिहार है तो आप भागलपुर और मुजफ्फरपुर, पटना, यहाँ पे सब भर सकते हो। छत्तीसगढ़ में हो तो रायपुर, मैं आपको मुंबई में लेके आता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र अपना कहाँ है भाई, वेस्ट एंड सेंट्रल में महाराष्ट्र आता है, तो अगर आप गाइज महाराष्ट्र से हो तो आप अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, आप यहाँ यहाँ के लिए सेंटर एग्जामिनेशन का ले सकती हो, मतलब यहाँ यहाँ आपका सेंटर लग सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। फिर गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन 2020 साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहीं पे आपको आना है और ये क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब गाइज आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आ जाएगा और इस एग्जाम का नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको कौन कंडक्ट करता है जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में है, वो यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाता है। गाइज सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो KVPY थ्रू लिंक, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गाइज अगर मान लो यहाँ पे आपको पूरा ये रीड करना है पहले, अगर आप स्ट्रीम ऐसे के लिए भर रहे हो, ऐसे के लिए कौन भरेगा, जो 11वीं क्लास का रहेगा, साइंस सब्जेक्ट से जो 11वीं क्लास में पढ़ा है
वो भरेगा इस ऐसे वाले फॉर्म को। आगे मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो गाइज पहली बात तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, ये जान लो गाइज, आपको चाहिए कि आप मैथमेटिक्स और साइंस में, ठीक है, आपके 75% मिनिमम होने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो, यानी कि जिसको आरक्षण नहीं होता है, और जिसको आरक्षण यानी रिजर्वेशन होता है उसके लिए सिर्फ 65% चाहिए भाई, 5% कम मिल गया उनको छुट्टी, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसी आप 12वीं क्लास के लिए भी सेम कंडीशन, 12वीं यानी 10+2 वो 12वीं कहलाती है। और गाइज एसएक्स एग्जामिनेशन उसके लिए भी आपको बता देता हूं, अगर आप 12वीं क्लास में हो, ठीक है, मतलब 12वीं क्लास के हिसाब से अगर आप पेपर देना चाहते हो उसके हिसाब से, ठीक है, तो आपको 75% उसमें भी चाहिए, मार्क्स चाहिए ही चाहिए एग्रीगेट मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको, और मैथमेटिक्स में 75% आने चाहिए। इंग्लिश हिंदी हटा देंगे वो चलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, ओके। चलो अब फॉर्म कैसे भरोगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको दिखा दी, अब वही आपको एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे क्लिक हियर करना है, ठीक है, क्लिक हियर करके और फिर आपको देखो यहाँ पे चेक कर लेना, इस बॉक्स को चेक कर दो, चेक करके फिर लॉगिन में क्लिक करो। जब गाइस आप लॉगिन में क्लिक करोगे तो इस तरीके से मतलब आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा यूजर आईडी और मतलब लॉगिन पासवर्ड तो अभी आपको मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे गाइस आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको ये एक कुछ लोड होते ही मिलेगा, ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोड होगा या नहीं होगा। ये जो भी लोड होगा ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आप फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ ब्राउजर से ही भर सकते हो, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में ही चलते हैं। मोबाइल फोन में क्रोम चलता है तो उसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लेना। आप जब क्रोम खोलोगे तो 3 डॉट मिलेगा, वहां पर डेस्कटॉप लिख के आएगा, वहां पर से आप क्लिक करके भर सकते हो फोन में से भी। फिर आपको इसको क्लोज कर देना चुपचाप और आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब गाइज ये देखो क्या है ना, आप बताता हूं मैं आपको क्या है, यहाँ पे आपका वही फॉर्म आपको गाइज भरना है, ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे आपको वही फॉर्म या वही नाम यहाँ पे डालना जो नाम आपका सबसे पहली बार, सबसे गाइज पहली बार आपने जो 10th मार्कशीट में लिखा रहेगा वो, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका कौन सी क्लास में अभी आप करेंटली पढ़ रहे हो, मतलब आप 11वीं में पढ़ रहे हो या 12वीं में पढ़ रहे हो या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, वो फॉर्म आपको भरनी है। फिर आपकी स्ट्रीम चूज करनी है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं 12वीं लिखता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसएक्स लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है अच्छे से, एसएक्स मतलब 12वीं के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एसएक्स फॉर स्टूडेंट करेंटली इन 12th, ठीक है। चलो फिर आपका यहाँ पे गाइस मोबाइल नंबर डाल देना है, जिससे कि वही नंबर डालना जो चालू रहेगा, उसी नंबर को कन्फर्म कर लेना क्योंकि इसी में आपका आईडी और पासवर्ड आएगा। फिर ईमेल आईडी भी सही से ही डाल देना, आप इंडियन हो, ये यहाँ पे नेशनलिटी आपकी भर देना। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कोड दिया रहेगा ये, ठीक है, Y7WE8WX जो भी यहाँ पे दिया है इसको आप डाल देना। आई एग्री पे करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर देना, ठीक है। चलो जब गाइज आप जैसे ही रजिस्टर करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपके फोन नंबर में या आपके ईमेल आईडी में, दोनों जगह में आपको KVPY तरफ के तरफ से आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको सिर्फ करना क्या है जानते हो, आपको गाइज लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए मैं आपको बता देता हूं करना क्या पड़ेगा, आपको चुपचाप से कहां जाना है, वापस इसी एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है। आप चाहो तो वापस सब कुछ कर सकते हो, यहां पे एप्लीकेशन में जाना है, क्लिक हियर करना है और फिर से आपको उसी तरीके से यहां पे आना है। अब आपको आईडी पासवर्ड मिल चुका है ना, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। अब आप यहां देख सकते हो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पे डालने बोलेगा, तो जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आया रहेगा ना आपको वहीं पे डाल के और यहां पे क्लिक कर देना है लॉगिन पे। जैसे ही गाइस आप यहां पे लॉगिन करोगे ना तो आपका जो भी आप फॉर्म भरे रहोगे वहां पे स्ट्रीम, अगर आधा फॉर्म तो आपको यहां पे भरा भराया मिल जाएगा। अब मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा रखी है लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तुमको दिखेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ गाइस अब आपको एप्लीकेशन भरना, तो देखो यहाँ पे टॉप में एक देख सकते हो गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप क्लिक करोगे तो आपके इंटरनेट की स्पीड से ये क्या करेगा, जितना आपका स्पीड होगा उस हिसाब से ये लोड करेगा। अब लोड करने के बाद क्या करने वाला जानते हो, फिर वही बताएगा दुनियादारी कि यहाँ पे आप सिर्फ कंप्यूटर से भर सकते हो, लेकिन मैंने आपको फोन से भरने का आइडिया बता दिया है। फोन में 3 डॉट क्रोम ब्राउजर में बना रहता है, वहीं पे जाके डेस्कटॉप मोड कर लेना, वहां से भी भर सकती हो। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन ये मेरा था, मैंने आपको छुपा के रखा है, दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब गाइज देखो अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर भर लेना है, आप कौन से जेंडर से हो, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, और बाकी और कुछ हो तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी में आ जाओ। कैटेगरी में जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी,
अब अगर आप जनरल हो यानी ओपन कैटेगरी वाले, मतलब ओपन कैटेगरी तो जानते ही रहोगे कौन आता है, आप अगर जनरल हो मतलब जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं हो जनरल है, और एससी एसटी वाले ओबीसी ये सबको क्या होता है रिजर्वेशन वाले हो, तुम अगर एससी एसटी रखोगे तो आपको पैसा कम भरना पड़ेगा फॉर्म का, और ओबीसी भरोगे तो आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप कोई अपंग हो, आपके पैर हाँ टूट गए कुछ हो गया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे भाई डाल देना कि हमको हाँ टूट गया है, हम पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, वो आप डाल देना। फिर आप गाइस यहाँ पे अपना घर का एड्रेस बिड्रेस डाल देना, जो भी रहेगा एड्रेस डाल दो आपका, यहाँ पे फोन नंबर टेलीफोन नंबर डाल दो, पिन कोड अपने एरिया का डाल दो सब पटापट, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करना, क्या करने का, सेव और नेक्स्ट पे करने का है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेव और नेक्स्ट पे करोगे तो आपको क्या आएगा, एकेडमिक डिटेल पे चले जाना है, ठीक है, सेव और नेक्स्ट करोगे तो एकेडमिक डिटेल पे चले जाओगे। अब गाइस जब आप एकेडमिक डिटेल पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको पूछेगा आपका एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा है, तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आप यहाँ पे ढूंढ के अपना महाराष्ट्र ऐसे भर देना, ठीक है, महाराष्ट्र भर देने का। आपका ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि अगर आप मान लो 12वीं क्लास के लिए भर रहे हो, क्या आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे, एसएक्स के लिए आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपकी ईयर ऑफ पासिंग भर देना। फिर उसके बाद आपकी मतलब 12th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड कौन सी है, 12th स्टैंडर्ड की, ठीक है, तो उसके लिए 12th भी आप महाराष्ट्र बोर्ड में हो तो यहाँ पे क्लिक करना, महाराष्ट्र डाल देना। आपको 12वीं क्लास में कितने मतलब मार्क्स मिले हैं तो वो आप यहाँ पे डाल देना। अगर आपको नहीं पता है आपके मार्क्स तो कुछ मत डालो, वैसे ही रहने दो, ठीक है, कुछ डालना ही नहीं है, ठीक है, परसेंटेज वगैरह। तो अभी आप 12वीं में हो तो आप 11वीं के लिए पेपर दे पाओगे, ये बात आपको ध्यान रखना अच्छे से। अगर आप 12वीं क्लास में हो तो आप 11वीं के लिए ही फॉर्म भर पाओगे, 12वीं में हो तो 12वीं का नहीं भर पाओगे, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। चलो फिलहाल अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं डालते तो चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे कि अदर डिटेल्स जैसे यहाँ पे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी जो भी आप यहाँ पे दिया है मतलब आप भर सकते हो। आपको 11वीं में तो 11वीं क्लिक करना, 12वीं रहेगा 12वीं क्लिक करना, जो भी आपका रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डालना कि सब्जेक्ट में आप क्या परस्यू कर रहे हो, तो सबसे पहले बात यहाँ पे डालना फिजिक्स केमिस्ट्री सब डाल देना जो जो भी आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है। फिर ये सेकंड सब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आप सेकंड सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप मैथ्स है तो मैथ थर्ड सब्जेक्ट लेना, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी आपकी मर्जी जो आप सब्जेक्ट देना चाहो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको पेपर देना होगा, पर कोई जहां पे ये रेड कलर में स्टार मार्क है वो आपको भरना ही पड़ेगा, तो मतलब कोई दो सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ आगे वैसे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह ये सब आप मतलब भर देना, ऑन ज्वाइनिंग डेट आप सब यहाँ पे फिल कर देना, कोई भी जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी जो भी, जैसे कि अगर आपने 12वीं को जून जुलाई से स्टार्ट किया था तो आप वही यहाँ पे डेट डाल देना, ठीक है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल कॉलेज, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह की जो भी आपकी एड्रेस वो भर देना, कौन सी स्टेट में कॉलेज वगैरह सब भर देना। और सेव और नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करोगे तो अपलोड एंड टेस्ट प्रेफरेंस में आप चले जाओगे, यहाँ पे आओगे तो आपकी लैंग्वेज मतलब किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहोगे, हिंदी में या इंग्लिश में, और बाकी किसी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में ही दे सकते हो, और किसी भी एग्जाम में दे नहीं सकते हो बाकी में, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में ही दे सकते हो, ठीक है ना। तो प्रीफर्ड सिटी, उसके लिए गाइस आपको प्रीफर्ड सिटी मतलब कहाँ पे आप सेंटर देना चाहोगे, कहाँ पे एग्जाम देने जाना चाहोगे, तो पहली प्रेफरेंस आपका मान लो अगर मुंबई में आप रहते हो तो आप मुंबई यहाँ पे डाल देना, महाराष्ट्र ढूंढो और मुंबई डालो, ठीक है। अगर आप फिर मुंबई के अलावा आप चाहते हो कि अगर मुझे मुंबई सेंटर नहीं मिला तो क्या मिलेगा, तुम पुणे डाल दो, ये जो भी आपके एरिया में नियर बाय रहेगा वही आप फिल कर दोगे, मस्त वही एग्जाम जाके देने का। चार ऐसे आपके पास ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप दे सकते हो ना। यहाँ पे फिर आपकी फोटो और आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, और आपको यहाँ पे अमाउंट लिख के आएगा, जैसे कि अगर मैंने जनरल क्लिक किया होता ना तो मुझे 1250 रुपए यहाँ पे लिख के आता, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एकेडमिक ईयर में गया, एकेडमिक वाले में गया, और यहाँ पे मैं आपने आपको नहीं, यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गया, और मैं यहाँ पे जनरल देखो क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं ओपन कैटेगरी का हूँ तो मैं वही क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो देखो यहाँ पे 1250 रुपए लिख के आ गया। अगर आप एससी एसटी करोगे ना तो यहाँ पे आपको 650 लिख के आएगा, देखो दिखाता हूँ आपको मैं 650 कैसे आएगा। मान लो अगर आप एससी कैटेगरी को हो, मैं नहीं हूँ एससी का, अगर आप हो तो आप यहाँ पे जाओगे देखो आपको यहाँ पे 650 लिख के आ जाएगा, ठीक है, 650 625। अब यहाँ पे आपको ये कोड डाल देना, कैप्चा कोड, और आप आई एग्री करके और सबमिट कर देना। जैसे गाइस आप सबमिट करोगे आपको पैसा भरने का ऑप्शन आएगा, मतलब बैंक डिटेल आपको भरनी पड़ेगी पेटीएम या एटीएम कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड या किसी और कार्ड के थ्रू आप पेपर मतलब फॉर्म का पैसा भर सकते हो, ठीक है। और फॉर्म भर दोगे तो आपको पूरा फॉर्म अच्छे से आ जाएगा, एडमिट कार्ड आपको फिर मिलेगा नवंबर दिसंबर तक, और जनवरी में आपकी परीक्षा होगी, पेपर होगा, तो मस्त तरीके से आप पैसा मतलब भर दो अभी से, और फॉर्म भी आप भर के मस्त एग्जाम दो। अगर पास हो गए तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू होगा, और अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आपका समझ लो KVPY एग्जाम क्लियर,
और केवीपीवाई एग्जाम क्लियर होने के बाद फिर आपको मस्त साइंटिस्ट बनाने के लिए वो लोग पैसा देंगे, फिर आप मस्त पढ़ाई कर सकते हो साइंटिस्ट बनने के लिए, ठीक है। चलो तो ये बात आपको ध्यान रखनी, स्कॉलरशिप आपको मस्त मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, तो मतलब केवीपीवाई यहाँ पे देख लो, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन रिसर्च करियर, जिसको अपना करियर रिसर्च में बनाना है वही इस एग्जाम को देगा, बाकी लोग यहाँ पे घूमने फिरने मत आओ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो सो रिसर्च कैरियर में जिसको जाना है वही ये काम करेगा, ठीक है, वही ये फॉर्म भरेगा, बाकी लोग को नहीं भरना है।